23 मार्च तक चलेगा। शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का बजट पेश किया जाएगा। पूरे सत्र के दौरान 16 कार्य दिवस होंगे। जानकारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल के बाद आ रहे इस बजट में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मंदी के इस दौर में सोरेन सरकार का बजट पिछले साल के मुकाबले बढ़ता है या घटता है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2020-21 में सोरेन सरकार ने 86,300 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस दौरान विपक्ष ने तीखे सवालों से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। बजट सत्र को लेकर एक तरफ विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ढेरों सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार सदन में पूरी तरह घिरी नजर आएगी। भाजपा विधायकों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों के सभी सवालों के जवाब देने का भरोसा दिलाया है। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज़।